उनके मुंह पर मारे। वो तो जब खलील साहब पॉडकास्ट पे जाते हैं यही दिल चाहते हैं, दिल जरूर चाहते हैं। जब बात होती है कंट्रोवर्सी, आपको पता चला खलील साहब रात के 4 बजे बहरिया टाउन गए? हाँ, आप, आप, आपकी पॉडकास्ट से तो मुझे पता चला। अच्छा, पहले आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे अच्छा। ये पता नहीं था, लेकिन एक मोटा उड़ता उड़ता चिड़ा आया, उसका नाम था गया साहब। हाँ। गया साहब बैठे हुए थे। अच्छा। पर आप बता सकते हैं कोई एक ऐसी बीमारी? चिकनगुनिया चिकनगुनिया हमारे हाँ कौन सी बीमारी? चिकनगुनिया। हाँ, उससे आप सूरज में नहीं जा सकते? ओ खलील साहब, नहीं नहीं, खलील साहब माशाल्लाह उनका वो गए थे प्यारे अफजल लिखने। ओके। हाँ, तो उन्होंने बोला मेरे पास तुम हो, उसने बोला आ जाओ, वो चले गए। ओके, वैसे वो केस डाई डाउन हो गया। आप बताओ, इस पूरे उसमें बहुत सारे लोग के मिक्स्ड रिव्यूज है, लोग लड़की को भी ब्लेम कर रहे हैं तो कुछ लोग उनको विक्टिम भी बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा विक्टिम कौन है। नहीं, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में देखें औरतों को हमने सब हकूक दिए हुए, सब कुछ है, सब आराम हो आशा। एक लड़की को खलील साहब को बुलाना पड़ा तो यार कितनी मुश्किल है जिंदगी लड़कियों की पाकिस्तान में। अगर तो आपको खलील साहब को बुलाना पड़ रहा है, लेकिन तो वो बुला रही थी जुल्म हो रहा है मीटिंग के लिए। मीटिंग के लिए। हाँ। और फिर उसने वीडियो भी बनाई मीटिंग की। जी जी, खलील साहब ने अभी रिसेंटली ये भी बोला था कि मुझे सबा कमर नहीं पसंद क्योंकि वो कपड़े पहनती है। तो बाद में पता चला कि इस बात का मतलब क्या था। Oh God. वो जब उनकी वीडियो आई तो पता चला, अच्छा खलील साहब को ये मसला नहीं कि इस तरह के कपड़े पहनती है, बस खलील साहब को जनरल नहीं कपड़ों से मसला। Yes, वैसे that's absolutely right. तो विक्टिम कौन लगता है? Let's suppose खलील साहब नहीं, इसमें मैं विक्टिम हूँ जिसने वो वीडियो देखी। कोई रैंडम बंदा हो तो वो विक्टिम है या नहीं? सीन में हर कोई जिसने वो वीडियो देखी वो विक्टिम है। I haven't seen the video. तो आप विक्टिम नहीं है? I'm not a victim. मैं अपनी आंखों में तेजाब डाल चुका हूं। I can never be the victim. कॉम के लिए मैं कितनी खिदमत करता हूँ, कंटेंट बनाने के लिए, आप लोगों के लिए। मैंने वो वीडियो भी देखी, बताएं यार, बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं सोचा था कि मैंने खलील साहब को ऐसे देखूंगा मैं। ओके, इतनी बुरी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बुरी है, बहुत। ओह लॉर्ड। जी जी जी, दैट्स सैड। वेल एनीवेज, आजकल जिस तरह ये जो फोन का एक चीज हो रहा है और इंटरनेट, एवरीथिंग इज किसी को बर्बाद करना एक क्लिक और वो हो सकता है। तो आप बताएं, डू यू थिंक दैट ये AI और ये सारी चीज़ों पर हम जो आ रहे हैं और पाकिस्तान भी थोड़ा थोड़ा तब्दील हो रहा है, लेकिन लोग इस चीज़ को ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखिए, मैं तो बर्बाद होना चाहता हूँ। आप ये गलत आदमी से पूछ रहे हैं, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई बर्बाद कर नहीं रहा। मैं तो तैयार बैठा हूँ बर्बाद होने के लिए। किस तरह की बर्बादी? खलील साहब की वीडियो आने के बाद 2-3 रातें बहरिया टाउन रात के 4 बजे शीशा नीचे करके फिर रहा हूँ कि कोई बुला ले, कि कोई तो, कोई तो। कैमरा भी अपना है, पॉडकास्ट का सेटअप लेके गया हुआ था। ओके, नहीं बुलाया, हो नहीं रहा, नहीं मैं बर्बाद हो नहीं रहा। मुझे लगता है कोई मसला है आपकी वीनस में, सितारों की गर्दिश है, किसी ने बंदिश किया हुआ है, इन्होंने बोला गयास किसी के नीचे नहीं आएगा, बस वही तो, वो महबूब भी नहीं बनेगा, बस ये 21 मिलीमीटर मसला। हाँ, बस यही मेरे इतना पाकीज़ा नाम को रगड़ दो तुम, मार्वेलस मतीरा ब्रो। ये ऑफर सिर्फ भेड़िया टाउन में खलील रहमान का मटके लिए। भेड़िया टाउन। जी जी जी। माशाल्लाह, यू डू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड कभी-कभी यू डू द रियली सीरियस वंस। जहां मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, मैं आप हम आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे, वेयर यू एक्चुअली टॉक्ड अबाउट हाउ पीपल, ये जो वर्ड रेप, उस चीज को लोग कितना मिसयूज करते हैं एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड, और उस वर्ड को एक मजाक में डाल देते हैं, और हमें हमेशा जो एक विक्टिम होता है उसके ऊपर ही सारे सवालों का भरचा होता है। जो एक मॉन्स्टर होता है उसके मुंह पर ब्लर होता है या थैली होती है, और विक्टिम का फेस इज ऑल ओवर द इंटरनेट एंड एवरीथिंग। एंड आई लव्ड इट बिकॉज आपने बड़ी आराम से, बड़े प्यार से पाकिस्तान को समझाया। सो इस तरह आई एम श्योर जब कोई मर्द ऐसे बात करता है तो बहुत सारे लोग की ना फजूल की ईगो हर्ट होती है। सो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और ये क्या है, और ऐसा क्यों है, ऐसी कोई धमकी आई है कभी? नहीं, आप मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ें तो आप खलील साहब की वीडियो भूल जाएंगे, उतना भयानक होता है। सो ये तो हर दफ़ा का काम है, क्योंकि देखें क्यों संजीदा बात हो रही है। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो बयानिए हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हों, वो हमारे स्टेट गेस्ट हों, वो प्रोपगेट करते हैं,
वो पॉपुलराइज करते हैं, वो इस तरह की बातें आकर करते हैं कि कोई सिंगल औरत है तो बाजारी औरत है, या अगर कोई बोलते हैं कि भाई मैन आर नॉट रोबोट्स, या अगर कोई कहता है कि ये नापाक हो गई हैं, तो व्हाट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इज एवरीवन, इज ओपिनियंस दैट वी हेल्ड ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ। तो कोई आकर अगर बोले कि आपने जो जिंदगी भर बिलीव किया है, रिपीट किया है, आपको बताया गया है, वो सब गलत है, तो जाहिरी बात है एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि हम सर पे इसके पत्थर मारना शुरू कर दें। पर अगर हम अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा है जिसके स्टेटिस्टिक्स बहुत बुरे हैं, हम अक्सर रिपोर्टेड सेक्सुअल असॉल्ट्स की बात करते हैं, बट सो मेनी ऑफ देम गो अनरिपोर्टेड, ओवर 90% हैपन एट होम, जो तो किसी को पता भी नहीं चलता, आपका कोई जानने वाला होता है, कोई ट्रस्टेड होता है, कोई फैमिली मेंबर होता है, और लोग यकीन भी नहीं करते बच्चे, बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस तरह का जो एक रेप कल्चर है हमारी सोसाइटी में, कि क्या पहना हुआ था, क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, जो टाइम क्या था, जो सारी बातें इररिलेवेंट हैं टू द इवेंट इटसेल्फ। दूसरा, हम इसको समझते हैं एज अ क्राइम ऑफ पैशन, इट्स नॉट, इट्स अ क्राइम ऑफ पावर। हमें अगर तो यही आइडिया हो कि भाई कोई इतना टर्न ऑन हो गया, उसको समझ नहीं आया, उसने इस तरह तो नहीं होता, अक्सर सोचा समझा होता है, आप नहीं, देखते फिर हो। ये लोग पता है क्या बोलते हैं कि ये आप मीडिया ऐसा होता है तो वो आप लोग ये एक्ट्रेसेस लोग इस तरह भी ब्लेम तो मीडिया पे तो केएफसी के भी एड्स आते हैं, पिज्जा के भी एड्स आते हैं, शान फूड्स के भी एड्स आते हैं, ऐसा तो नहीं होता आपको भूख लग रही होती है तो सड़क पे आप बेकरी या रेस्टोरेंट के शीशे तोड़ के चढ़ जाते हो। तो भूख इज अ बिगर प्राइमल इंस्टिंक्ट देन अट्रैक्शन। तो अगर तो आप इतने पागल हो चुके हैं, इतना क्राइम और पैशन है कि आप बस आपने देखा आपको ऊपर नहीं, ऐसा तो नहीं है, यूजली इट्स वेरी कैलकुलेटेड, यूजली आप प्लान करते हो, यूजली आप देखते हो कि कहाँ मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो इट्स वेरी मैनिपुलेटिव, इट्स हु यू हैव पावर ओवर, विच इज वाई आप देखते हो कि अक्सर बच्चों के साथ होता है, अक्सर ऐसी जगहों पर होता है जहाँ आप उनके टीचर हैं, आपका उनसे एक रिश्ता है लंबा। तो it's not how it is presented at all, the way we talk about sexual assault in this country is wrong from the get go. To phir wo jab aake aap logo ko ye batana shuru karo ki yaar aapki ye jo raaye hai ye contribute karti hai ki Tandeel Baloch ko mara uske bhai ne, lekin har kisi jisne patthar mara, har kisi jiske bhai ko bola ki tujhe sharam nahi aati teri behan ye karti hai, wo har comment add up karke wo कुआं भरा है जिसमें उसको डुबा कर मारा गया है। तो इस में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, हम ये नहीं कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कल्चर को बनाने में, विक्टिम ब्लेमिंग करके, इम्बोल्डन करके, बॉयज विल बी बॉयज, मर्द रोबोट थोड़ी है, मर्द तो करेगा, अच्छा जाने दो, अच्छा यार घर की बात घर में रहने दो, इस सारे कल्चर ऑफ साइलेंस से वी आर प्रोटेक्टिंग द पर्सन हु इज कमिटेड द वर्स्ट क्राइम दैट आई कैन थिंक ऑफ। जब तक हम एज अ सोसाइटी उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे और ये कल्चर ऑफ साइलेंस नहीं तोड़ेंगे और विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कम करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें होती रहेंगी। थैंक यू सो मच, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज। लेकिन